मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और देहरादून पहुंच गए हैं, न्यू ईयर पार्टी आज करेंगे, बट दिन में थोड़ा टाइम है तो जाएंगे घूमने, जो है शिखर फॉल और एक रेस्टोरेंट है ऐसा कैसा डोसा, वहां जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब चल पड़े हैं हम, तैयार हो गए जाने के लिए। शिखर फॉल जा रहे हैं दोनों फैमिली एक साथ, बच्चे खूब इंजॉय करेंगे। तो प्लान ये है कि यहाँ से जाएंगे शिखर फॉल और वहाँ से वापसी में डोसा खाने जाएंगे, ऐसा कैसा डोसा। हाँ, तो डोसा प्लस वो पिज़्ज़ा जैसा डोसा होता है। अभी तक तो प्लान यही है, बाकी वहीं जाके पता चलेगा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो निकलते हैं यहाँ से शिखर फॉल के लिए, चलो जी। तो फ्रेंड्स, पहुँच गए हम शिखर फॉल के पास, जो पार्किंग है, और थैंक्स टू हिल साइड कैफ़े इन्होंने हमें कार पार्क करने के लिए अलाउ कर दिया। सो थैंक्स फॉर देयर फ्रेंडली नेचर। तो स्टार्ट कर दिया हमने मिनी ट्रैक, जो है 500-700 मीटर का ही। तो काफ़ी लोग आ भी रहे हैं देखो, और ये अविनाश ट्रैवल व्लॉग्स, काफ़ी टाइम बाद इन्होंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी है। तो ये रास्ता जाता है टूवर्ड्स द फॉल, और आगे थोड़ा सा रिस्की है, बहुत नैरो सा पुल है, उसको पार करना है। तो यही है वो पॉइंट, तो इसमें थोड़ा संभल के चलना पड़ता है, नज़र हटी दुर्घटना घटी का हिसाब हो सकता है यहाँ पे। तो चलते हैं आगे। तो आगे बढ़ रहे हैं सब लोग, और देखो चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, छोटे पहाड़ हैं वैसे तो खैर, और ये मिनी ट्रैक। तो हार्डली 500-700 मीटर ही है ये, थोड़ा सा शुरू में लगता है कि डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन एक्चुअली है नहीं। तो आराम से आओ वॉक करते करते और पहुंच जाओगे शिखर फॉल। पहुंच गए हम शिखर फॉल, देखो ये है शिखर फॉल की एंट्री। ये पब्लिक पूरा लुत्फ उठा रही है वाटरफॉल का। तो बच्चे भी चल गए पानी में और लोग काफ़ी यहाँ मज़े कर रहे हैं, काफ़ी लोग आए हैं। ठंडा पानी है, हाँ ठंडा तो हो गया इस समय। वाह भाई वाह, सियान का पोज वाटरफॉल के साथ। दोस्तों, ये हमने कर लिया शिखर फॉल का टूर कंप्लीट, ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं वहाँ पे, पानी में देर ज़्यादा बैठा नहीं ठंडे में, तो अब देख के वापस चलते हैं, भूख भी लग गई तो लंच टाइम है, तब जाएंगे हम ऐसा कैसा डोसा, वहाँ पर डोसा खाने आएंगे। चलो ऐसा कैसा डोसा चलते हैं। तो अब मैगी टाइम, उसी शॉप में ही, उसी रेस्टोरेंट में जहाँ पे हमें पार्किंग मिली थी, वहीं पे हम मैगी खा रहे हैं। आप जाएंगे उसके बाद डोसा खाने। पूरा जैम लगा हुआ है देहरादून में हर जगह, हम भी जैम में ही जूझ रहे हैं, देखते कैसे निकलते हैं यहाँ से। तो पहुँच गया मस्त ऐसा कैसा डोसा में, ओपन किचन वहाँ पे सामने डोसा बन रहा है वहाँ पे, और ये पूरा इसका एम्बियंस। तो आ गया हमारा ये मुंबई पाव भाजी और ये चीज़ पाव भाजी। अब बाकी चीज़ों के लिए वेट हो रहा है कि सबको भूख बढ़ गई है देखते ही। सब आने दो। हमारा ठंडा भी तो जाएगा, ठंडा तो हाँ, अभी हम चिढ़ाते बाद में चिढ़ाएंगे हमें ना। चलो